बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे 32 एलिमेंट्स की स्थिति की विवेचना का। आवर्त सारणी में थर्ड टेबल या समूह संख्या 13 के तत्वों की स्थिति की विवेचना। और इसके अंतर्गत आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सो इन 5 एलिमेंट्स के लिए रिकॉर्डिंग टू हिंट्स इसकी स्थिति की विवेचना का स्टडी करेंगे। कॉन्फिगरेशन से स्टार्ट लेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्बिटल्स में यानी कोसों में करने पर बायतन कोस में 3 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है। तो बोरान के लिए 2N3 के और एल, एल्यूमिनियम 2 8N3, गैलियम 2 8N18 3, इंडियम 2 8 18 18 N3, फॉर थैलियम 2 8 18 32 18 N3, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इसका ग्रुप सर्टिफाइड करती है। और यही कॉन्फिगरेशन सबसेल में करते हैं तो लास्ट सबसेल के लिए NP1 और एस और सेल भी ले लें तो NS2 NP1 टाइप को कैटेगराइज करता है। तो बच्चों वे तत्व जिनके अंतिम पी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वे 32 के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और यहां पर N नंबर ऑफ ऑर्बिटल है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है, जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। कॉन्फिगरेशन करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1, फॉर एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, फॉर गैलियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, 4s2 और 4p1, फॉर इंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, और ये सीरीज और इंक्रीज करेगी एट लास्ट 5s2 और 5p1 होगा। और इसी तरह से बच्चों थैलियम के लिए लास्ट कॉन्फिगरेशन होगा 6p1। तो हम एड्रेस करें लास्ट के पी सेल के लिए, सो 2p1 3p1 4p1 5p1 एंड 6p1। और इस तरह से जान पाते हैं कि ये टोटल 1 इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिटल में प्रेजेंस रखता है। तो आप चलते हैं अगला हिंट्स लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ये किस तरह से वैलेंसी शो करते हैं।
सो इट्स टू संयोजकता है किसी तत्व का बाइटिंग कोष, उसका संयोजी कोष कहलाता है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो डोनेट या एक्सेप्ट करके उसका अष्टक पूर्ण करती है, उसका स्थायित्व दिलाती है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो अगर एग्जाम्पल चेक करें बोरान और एल्यूमिनियम के लिए, बोरान 5 का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं 2 और 3, जबकि एल्यूमिनियम के लिए 13 का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 2, 8 और 3। लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3-3 पाए जाते हैं, अर्थात ये अपने बाइटम कोष से 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं और इस आधार पर इनके जो आयन्स हैं वो ट्रिपल पॉजिटिव होते हैं, यानी इनके आयनों पर 3 इकाई का धनावेश पाया जाता है और फिर ये ट्राइवेलेंट कहलाते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता का मान थ्री होता है। और बच्चों जिन तत्वों की वैलेंसी ऑर्डर 3 होती है उन्हें कहते हैं त्रि संयोजी तत्व। तो ये त्रिसंयोजक तत्व है, ट्राइवेलेंट एलिमेंट है और अपने कंपाउंड्स में ये 3 वैलेंसी हो गए। अब जान लेते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। सो वी डिस्कस हियर ऑक्सीकरण अवस्था। या ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड एलिमेंट के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन हो करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में, बट इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 3 होती है। कुछ इनके कंपाउंड्स हैं जिनके उदाहरण लेते हैं और उनमें से ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करते हैं, जैसे AlCl3 में Al की फाइंड आउट कर लें और बोरान के क्लोराइडो में या बोरान के क्लोराइडो में BCl3 में बोरान या एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड AlOH का Vol3 में Al, तो यहां से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चलता है। एल्यूमिनियम XCl3 है, HCl की माइनस पर और टोटल में 0 पर, सो एक्स प्लस माइनस का 3 बराबर 0, सो एक्स बराबर प्लस 3, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। और बोरान के लिए बोरान एक्स है, क्लोरीन 3 और माइनस का 1, टोटल में 0, सो एक्स प्लस माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, सो एक्स इक्वल्स टू प्लस 3, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। फॉर एल्यूमिनियम Al का एक्स होगा और OH3 है तो OH का होल्ड टेकन 3 के लिए, थ्राइस OH माइनस होगा इसलिए OH की ऑक्सीडेशन माइनस 1 रखेंगे और इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। सो एक्स प्लस माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, देन एक्स बराबर प्लस। तो बच्चों इस तरह से हम देख पाते हैं कि इनके जो कंपाउंड्स हैं उनमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 3 होती है। इसके बाद इनका परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। हम कह सकते हैं कि थर्ड ए वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक
बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। और डिस्कस कर लेते हैं इनका एक फिगर से। इन एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाए, सो बोरान का कॉन्फिगरेशन करते हैं 2 and 3 के और एल ऑर्बिटल से, और जब एल्यूमिनियम का कॉन्फिगरेशन किया 13 के लिए तो 2, 8 और 3 के एल और एन। देख पाते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज करता है, तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे इनके एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज करते हैं, बढ़ जाते हैं, और उसके आधार पर इनका रेडियस भी इंक्रीज करता है। तो अगर इनका आगे बनाया जाए, डायग्राम बनाया जाए, तो न्यूक्लियस मिड में होगा और इसके बाद तो बोरान में 2 ऑर्बिटल्स हैं के और एल, अतः नाभिक से बाहर को उसकी दूरी उसका रेडियस होगा। फॉर एल्यूमिनियम न्यूक्लियस मिड में होगा और इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो बोरान की तुलना में एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती जाती है। डिस्कशन करते हैं अगले पॉइंट्स का, और ये है कि इलेक्ट्रोनेचर, बच्चों इसे कहते हैं वैल्यू प्रेफरेंस। और वैल्यू प्रकृति निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के आधार पर या इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता के आधार पर। हम देख पाते हैं कि थर्ड वर्ग के एलिमेंट्स अपने बायोन कोर्स में 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और बायोन कोर्स के इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या त्याग करके ये अपने आयन्स बनाते हैं, और इनके आयनों पर 3 इकाई का धनावेश होता है। और अगर हम ये एग्जांपल सिंपल सेट करें, अगर बोरान अपने लास्ट ऑर्बिटल पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो डोनेट करने से इस पर 3 इकाई का धनावेश होगा। और इसी तरह से एल्यूमिनियम भी होगा, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं ये अपने बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इसी कारण इन पर 3 इकाई का धनावेश पाया जाता है। और ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व के रूप में जाने जाते हैं। हम कह सकते हैं कि थर्ड ए वर्ग के तत्व अपने बाह्यतम कोष से थ्री इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, अतः इनके आयनों पर तीन इकाई का धनावेश पाया जाता है, जिसके आधार पर ये धन के द्वितीय प्रकृति वाले होते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर को दर्शित करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। बच्चों अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे इनके केमिकल बिहेवियर का और कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जिनसे जान पाएंगे कि कैसे थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स रासायनिक प्रकृति के आधार पर क्रियाशीलता प्रदर्शित करेंगे।